नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के समारोह में आप सभी योग साधकों का मनपूर्वक स्वागत है। कोई भी अभ्यास शुरू करने से पूर्व उसकी देवता का स्मरण पूजन करना हम भारतीयों की परिपाटी है और इसलिए शांत होकर किसी भी सुखासन में पीठ रीढ़ सीधी रखते हुए बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास जोड़ लीजिए और योग के इष्ट देवता का स्मरण करने के लिए ईश्वर प्रणिधान में संपूर्ण समर्पित भाव से तथा श्रद्धा से ईश्वर के नामस्मरण में मन से पूर्णतः जुड़ जाइए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि पद्मनारायण नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण अग्नि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि यज्ञ नारायण 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 हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि शिव नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण हरि हरि।
ईश्वर प्रणिधान से मन शांत और प्रसन्न हो गया है, तो इसी स्थिति में आगे के योगाभ्यास के लिए उठकर खड़े होना है। एक, दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए। दो, दोनों एड़िया पुट्ठों के पास लीजिए। तीन, हाथों पर वजन देकर उठकर खड़े हो जाइए। चार, दरी के सामने के छोर पर आकर एड़िया मिला लीजिए। दोनों हाथ नमस्कार में सीने के पास लीजिए और आंखें हल्की सी बंद कर लीजिए। शरीर की स्थिरता, मन की शांतता और बुद्धि का विवेक जागरूक करने के लिए उत्थित विवेकासन नामक आसन के लिए तैयार हो जाइए। स्थिति है दोनों पैरों की एड़िया मिली हुई, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में, आंखें हल्की सी बंद है। उत्थित विवेकासन नामक आसन में ध्यान की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाइए। शरीर स्थिर है, मन शांत हो रहा है, श्वास प्रश्वास की गति बहुत धीमी और लयबद्ध हो रही है। अब श्वास के साथ जुड़ते हुए मन से परख लीजिए कि श्वास लेते वक्त सीना फूल रहा है, कलाई और सीने का स्पर्श सघन गहरा हो रहा है और उसी स्पर्श में कुछ शिथिलता का, ढीलेपन का अनुभव हर नए प्रश्वास में आ रहा है। अब यही शिथिलता उत्तरोत्तर संपूर्ण शरीर में फैल रही है, व्याप्त हो रही है। उसे अवयव ध्यान, इस ध्यान के प्रक्रिया के साथ परखना है। तो मन से श्वास के साथ जुड़ते हुए याद कर लीजिए, संपूर्ण मस्तिष्क बाह्यतः, और उसके अधिक अंदर में जाने का प्रयास करिए। बाहर आते हुए संपूर्ण कपाल, कनपटे, भौवे, भ्रूमध्य, दोनों नासिका, ओठ, अनु, संपूर्ण चेहरा, गला सामने से, बाजू से, पीछे से, मन को ले जाइए रीढ़ के अंदर में, संपूर्ण रीढ़। 33 मिनटों की मालिका धीरे धीरे हर जोड़ से याद करते हुए ढीली ढीली छोड़ते जाइए। उसके आखिरी छोर तक जाते हुए मूलबंध लगा लिए। अब वहीं से कमर का दाहिनी ओर, बाईं ओर का हिस्सा देखते हुए कंधों तक संपूर्ण पीठ मन से याद कर लिए। दोनों कंधों से दोनों दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, कलाइया, हाथों के तलवे 10 उंगलियों के अग्रभाग तक चले गए। फिर से कलाई और सीने के स्पर्श के साथ अब सीने के भीतर में जाइए। चहुओर से उसे ढीला छोड़ते हुए नीचे चले गए। श्वास पटल की लयबद्ध धीमी धीमी हलचल के साथ अब पेट का सामने का हिस्सा, नाभि प्रदेश, निचला तलपेट, फिर से मूलाधार तक जाते हुए मूलबंध लगा लिए। शरीर को और अधिक स्थिर कर लिए। अब दोनों जंघाओं के जोड़ों से दोनों जंघाए गोलाकार घुटनों तक देख लिए। दोनों पैरों की पिंडलियाँ, तखने, एड़िया, पैरों के तलवे, उनका जमीन से स्पर्श, उंगलियों के अग्रभाग तक परख लिए। संपूर्ण शरीर एक संध स्थिर है। मन और शरीर का संयोग धीरे धीरे साध्य हो रहा है। अब शरीर मन की इस सुखद अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनके समाधि सम्मुख मनीमन जाते हुए नतमस्तक हो जाइए। विनम्रता से माथा टेकते हुए अपना संकल्प स्वामी जी के चरणों में अर्पण करना है। स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु नित्य निरंतर योगाभ्यास कर पाओ, इसलिए बल तथा प्रेरणा दीजिए। निरंतर योगाभ्यास के लिए स्वामी जी के पास बल मांगा है, प्रेरणा मांगी है, और यही तो उनका संदेश चार पंक्तियों में लिखा हुआ मन के आंखों से ही पढ़ पा रहे हैं। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम। हमारा संकल्प
और स्वामी जी ने दिया हुआ संदेश एक ही है, यह पाकर मन की आंखें और ऊपर उठा लिए तो स्वामी जी के पदचिन्ह अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति, पीछे में स्वामी जी की प्रतिमा मन चक्षुओं पर साकार हो रही है। तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत भाल प्रदेश, माथे में कुमकुम तिलक विराजित, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन, वे स्मितवदन है। गले में रुद्राक्ष और स्फटिकों की मालाएं धारण किए हुए, मोतिये जैसी शरीर कांति, अंग में गिरुए वस्त्र, पैरों में खड़ाऊ पहने हैं, ऐसी गुरुमूर्ति हमें आशीर्वाद दे रही है कि हमारा संकल्प, हमारी प्रार्थना पूर्णता की ओर जाने वाली है। इसी आनंद में हम लोग एक साथ गुरुस्तवन कहेंगे, खुली आवाज में सुर मिलाते हुए गुरुस्तवन। और फिर धीरे से आंखें खोल लीजिए, दोनों हाथ नीचे ले लीजिए। नर से नारायण बनने की प्रक्रिया में हो रहे अभ्यास में योग गीत के साथ, उसके लय के साथ जुड़ते हुए योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। मानव जन्म मधे शरीर संचलन के लिए तैयार हो जाइए। बाएं पैर की एड़ी 1.5 फीट दूर फैलाइए, एक, दोनों एड़ियों में अपने कंधों इतना अंतर लीजिए, दोनों हाथ जंघाओं से सटे हुए, पीठ रीढ़ सीधी। एक आठ कर
पाद संचलन और ताड़ासन के लिए तैयार। स्थिति, दोनों हाथ पुट्ठों के पीछे बांध लीजिए, दृष्टि सामने, दोनों एड़िया मिली हुई। एक आसन करता, दो शक्ति शरीर अवघे, चार लवचिक होते, पांच नसा नसा तुन, छे नव रुधिराची, सात कटी चक्रासन और वृक्षासन के लिए तैयार। स्थिति, एक करूपता, दो परमात्म्याशी, तीन साधावी कोणासन और वीरासन के लिए तैयार हो जाइए। स्थिति के लिए बाएं दिशा में मुड़ जाइए, एक बाएं पैर की एड़ी दाहिनी एड़ी से 2-3 फीट दूर फैलाइए, दो अपने एक पैर की लंबाई इतना फासला लीजिए। स्थिति, एक भारत रखे वर्ण, तीन पुत्र तिये छे, चार केले विसरुन, पांच स्वामी जना
राहो नियमित योगासन कराहो नियमित योगासन। धीरे से वापस आते वक्त एक बायां पैर दाहिने पैर से मिलाइए, दो दाहिनी ओर मुड़ जाइए। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए दरी के सामने छोर पर आकर एड़ियां मिला लीजिए, तीन, दोनों हाथ नमस्कार में, आंखें हल्की सी बंद, चार। मंत्र उच्चारण के बाद ही कृति प्रारंभ करेंगे। ओम राम मित्राय नमः। ओम राम मित्राय नमः। एक आसन करता, दो शक्ति शरीर अवघे, चार लवचिक होते, पाँच नसा नसा तुन, छः नव रुधिराची, सात शरण करा हो नियमित योगासन, ग्यारह हो बारह नियमित धीरे से दोनों हाथ नीचे लीजिए, एक कदम पीछे जाइए। आनंद मंदिरासन के लिए दोनों हाथ जंघाओं पर रखिए, एक। एड़ियों पर घुटने मोड़ते हुए बैठिए, दो। घुटने जमीन पर टिकाकर बैठ जाइए, तीन। दोनों पैर सीधे कर लीजिए, चार। बैठे हुए आसन के लिए तैयार स्थिति, दोनों पैरों की एड़िया अंगूठे मिलाकर पहुँचे अपनी तरफ खींच लीजिए, दोनों हाथ पुट्ठों के अगल बगल में जमीन पर टिकाते हुए कोहनियाँ सीधी कर लीजिए, हाथों की उंगलियाँ सामने, पीठ रीढ़ सीधी। शशांक आसन और उष्ट्रासन के लिए तैयार स्थिति, एक योग शक्ति से, दो यथार्थ दर्शन, तीन पातंजलि मुनि, चार केले कर्तव्यास्तव, छे जीवन जगण्या, ओम दीर्घायु आठ पश्चिमतानासन
और कटिवक्रासन के लिए तैयार, स्थिति एक। आसन करता दो। शक्ति शरीर अवघे लवचिक होते नसा नसा तुन गोमुखासन के लिए तैयार, स्थिति एक। एक रूपता दो। परमात्म्याशी ओम तीन। साधावी पाँच। मुनि वर अवघे छे ध्यान लावती ओम मांडुन आठ। योग नमनासन के लिए तैयार, स्थिति एक। भारत पूजी दो। पवित्र ठेवण तीन। पुत्र स्वामी जनार्दन जगास देती ओम प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार, पद्मासन में आने के लिए एक दाहिना पैर बाई जंघा पर रखिए, दो बाया पैर दाहिनी जंघा पर रखिए,
3 बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा, 4 दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा, भस्त्रिका प्राणायाम, अंगूठा दाहिने नथुने पर और आखिरी की दो उंगलियां बाएं नथुने पर लीजिए। दाहिने नथुने से सांस लेकर दाहिने नथुने से छोड़ना है। सांस लेते और छोड़ते समय नाक से जोर जोर से भाते जैसी बार-बार आवाज करते रहिए। दाहिने से पूरक 1 2 3 4 अंतरकुंभक 1 2 3 4 बाएं सिरेचक 1 2 3 4 5 6 7 8 बहिर्कुंभक 1 2 3 4 बाएं से प्रारंभ बाएं से पूरक 1 2 3 4 अंतरकुंभक 1 2 3 4 दाहिने से रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8 बहिर्कुंभक 1 2 3 4 धीरे से दाहिना हाथ नीचे ले लीजिए। ओंकार के लिए तैयार स्थिति, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, भ्रूमध्य में ओंकार की तेजस्वी काषाय वर्ण की प्रतिमा साकार कर लीजिए और अपने ही ओंकार के गुंजन में रममाण होते हुए ओंकार के नाद के साथ एक रूप हो जाना है। शिक्षक की हरिओम आवाज सुनाई दे तब तक ओंकार निरंतर शुरू रखिए। धीरे से प्रार्थना के लिए सीने की ओर देखते हुए आंखें खोल लीजिए, हाथ नीचे लीजिए, बाया पैर सीधा कर लीजिए, दाहिना पैर सीधा करिए और प्रार्थना के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। घुटनों के बल खड़े हो जाइए, एड़िया अंगूठे मिलाकर रखे, दोनों हाथ नमस्कार में सीने के पास, आंखें हल्की सी बंद। प्रार्थना के उच्चारण के बाद ही आंखें खोलना है। प्रार्थना खुली आवाज में एक साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए, एड़ियों पर बैठ जाइए, दोनों हाथ पीछे बांध लीजिए, माथा जमीन पर टिका दीजिए। धीरे से उठकर किसी भी सुखासन में बैठ जाइए।